हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता पांचाल रियल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी? आई होप ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके बीच आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है रिश्ते। जी हाँ फ्रेंड्स, नाचना गाना सेलिब्रेशन करना और ब्लॉगिंग करना और ये सब चीज़ हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बट हमारी लाइफ की जो डेली नीड्स हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ सेल्फ मोटिवेशन टॉपिक्स होते हैं, कुछ हमारे बहुत मतलब माइंड पावर मेडिटेशन, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इन सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ साथ। तो उसकी मैं पहली वीडियोस में भी उसकी पहल कर चुकी हूँ। पॉजिटिविटी मेरा वीडियो था एक, आपका उस वीडियो पर रिव्यू बहुत अच्छा रहा। और सीधी सी बात है, ये टॉपिक्स हमारी लाइफ के साथ बहुत हद तक जुड़े होते हैं, तो हम लोगों को ये टॉपिक्स पसंद आते ही आते हैं। तो आज मैं बात करूँगी रिश्तों की। तो रिश्ते एक छोटा सा शब्द है, पर ये एक छोटा सा शब्द हमारी पूरी दुनिया समेटे रहता है। रिश्ते कुछ पास के, कुछ दूर के, कुछ जुड़ाव के, कुछ मजबूरी के, कुछ हमदर्दी के, कुछ मतलबीपन के। रिश्ते तो रिश्ते हैं, रिश्ते एक पर इनके रंग अनेक। जी हाँ फ्रेंड्स, रिश्ते मतलब हमें कभी भी अपने रिश्तों से एक तो चीटिंग नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, रिश्ते रेत से होते हैं। जरा सी मुट्ठी आपने खोली और ये कब आपकी मुट्ठी से फिसल जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। रिश्ते जुड़ाव मांगते हैं, भावनाएं मांगते हैं, अटैचमेंट मांगते हैं, कीमत तो बिल्कुल भी नहीं मांगते हैं। कई बार रिश्ते हमसे जुड़ा होने के बाद भी अगर हमें टाइम नहीं दे पाते, तो हम सोचते हैं कि अरे इसे तो हमारी कदर ही नहीं, इसके लिए तो हम यूज़लेस हैं, इसे तो हमारी कोई परवाह ही नहीं। पर जो रिश्ता दिल से जुड़ा होगा ना, वो आपकी मजबूरियां भी समझेगा, आपकी हकीकत भी समझेगा कि ये इंसान ऐसा नहीं है जिसका बंधन दिल से जुड़ा होगा। तो मैं वैसे अपनी कम्युनिटी का इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे कम्युनिटी कब जल्दी से जल्दी मिलती है सच में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखने का शौक़ भी है। तो मैं थोड़ा सा आज रिश्तों के ऊपर मैंने लिखा भी है। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। चेहरे तो बहुत मिल जाते हैं, मगर जिनके दिल खूबसूरत हों वो लोग सिर्फ किस्मत से ही मिलते हैं। और हाँ, मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे YouTube पर आप सबका इतना प्यार मिल रहा है। थैंक यू, दिल से थैंक यू आपको। रिश्तों को नापो नहीं, समझो कोई ऊपर से बेरुखी करता है, मगर अंदर ही अंदर वो आपकी फिक्र करता है। उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता। हालात होते हैं कि कभी कभी हम अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते हैं। कितने रिश्ते होते हैं ना हमारे, बहन का, बेटी का, माँ का, जिनके साथ हम काम करते हैं उनसे, और अपने कुछ मजबूरी के रिश्ते होते हैं, और कुछ हमारे मतलब जुड़ाव वाले रिश्ते होते हैं। तो हर रिश्ता आपसे अटेंशन मांगता है, हर रिश्ता आपसे अटेंशन मांगता है। जी हाँ, रिश्तों के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, ये बात सबको पता होती है। पर कई बार जाने अनजाने हम अपने रिश्तों को कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्यों, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। जी नहीं, अगर गलत लोग हमारी ज़िंदगी में ना आए तो अपने पास कितने हीरे जमा हैं ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, गलत लोग ही हमें ये एहसास कराते हैं कि
कि हमारे पास जो लोग हैं वो कितने हद तक सही हैं और हमारे कितने अपने हैं। तो गलत लोगों की हमेशा आप इज्जत करिए, ये आपको कुछ ना कुछ सबक ज़रूर देकर जाएंगे। और रिश्ते तो कभी गलत होते ही नहीं, थोड़ा टाइम की कमी के कारण हम उनको अटेंशन नहीं दे पाते, पर जो हमारे अपने होते हैं वो घूम फिर कर वो हमारे पास खींचे ही चले आते हैं। तो रिश्तों में सबसे ज़रूरी होता है ट्रस्ट। जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, हाँ जी, थोड़ा सा कुछ अपना इंसान को समझ से भी काम लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें पसंद नहीं करता, बट हम अपने अच्छेपन के कारण मतलब उसे नहीं छोड़ते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि ये इंसान अंदर ही अंदर हमसे मतलब सही तरीके से नहीं डील कर रहा है, फिर भी हम अपने अच्छेपन के कारण उससे चिपके रहते हैं। नहीं, ऐसा मत करिएगा। जो आपके साथ बिल्कुल प्यार से निभा रहा है उसकी कदर करिएगा, और जो आपसे दूर जाना चाहता है उसको छोड़ दीजिएगा। रिश्तों में कभी भी ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। जब अपने पास किसी के लिए किसी से हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, वो आपको यूज़लेस समझ लेता है। आप अच्छे होने पर प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर आप अच्छे हो तो आपको प्रूफ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो इंसान लौट कर फिर कर अपने पास ज़रूर आ जाएगा अगर उसको आपकी कदर होगी। और अगर आपको उसको आपकी कदर नहीं है, तो प्लीज़ 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 किसी पर भी अपना रिश्ता थोपिए मत। क्यों? ज़बरदस्ती से बनाए गए रिश्ते हमेशा दुख ही देते हैं। तो रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा रिश्तों को हमें टाइम देना पड़ेगा कि कौन हमसे कनेक्ट रहना चाहता है, कौन हमसे कनेक्ट नहीं रहना चाहता, कौन थोड़ा सा टाइम की वजह से हमसे दूर हुआ है या कोई हमारे पास रहना ही नहीं चाहता। इन छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उनको आपको जज करना पड़ेगा, आपको उन्हें करीब से देखना पड़ेगा, तब आपके रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे ना। कहते हैं ना कि खुद को अपनी नज़रों में गिराना छोड़ दो, जो समझे ना उसे समझाना छोड़ दो। मतलब जो आपके साथ प्यार से बंधे हैं उनके साथ प्यार से रहिए। कहते हैं अगर आपके साथ किसी ने गलत भी किया है, किसी रिश्ते ने आपके साथ चीट किया है, धोखा किया है, तो आप उस रिश्ते से कभी भी हेट मत करिए। क्यों? क्यों फिर क्या होता है कि आप उससे हेट करते हैं तो आप एक अपना ऑरा बना लेते हैं, उससे क्या होता है आपको खुद भी दुख होता है। और जो हमारा जो नेचर होता है ना, जो हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है कुदरत, तो वो हमसे कनेक्ट होती है। जब अगर कोई इंसान चाह के आपके साथ बुरा कर रहा है तो नेचर उसके करने का फल उसको ज़रूर देती है। बट अगर आप किसी इंसान से हेट करते हैं तो आप जो नेचर का जो क्राइटेरिया है ना उसके बीच में खुद अपनी मर्जी ले आते हैं, तो ये गलत है। आप नेचर को उसके काम के लिए छोड़ दीजिए और अपने आप हमेशा अच्छे बन के रहिए और कम्प्लीटली डिसअपियर। अगर जो रिश्ता आपको दुख दे रहा है या आपको यूजलेस समझता है, उस रिश्ते से आप कम्प्लीटली निकल जाइए बिल्कुल। इससे क्या होगा, वो आदमी भी शांति से रहेगा और आप भी शांति से रहेंगे। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, क्योंकि आजकल का ना समय ही ऐसा है कि रिश्ते बहुत कीमती होते जा रहे हैं। जो अपने पास हैं उन्हें पकड़ के रखिए, उन्हें प्यार से सहेज के रखिए। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है तो करिए, बट अपने रिश्तों को बिल्कुल प्यार की खाद, अपनेपन के पानी से सींच के रखिए कि वो रिश्ते कहीं जा ही ना पाएं, वो आपको दिमाग से निकाल ही ना पाएं। और आप जब उनसे प्यार की खाद और जुड़ाव का जो पानी देते हैं ना, तो वो रिश्ते कभी भी टूटने वाले नहीं हैं। वो आज अगर आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं तो कल वो आपसे ज़रूर बात कहेंगे, क्योंकि आप एक होता है दिखावा करना
और एक होता है आप खुद जैसे हैं वैसे। तो रिश्ते बहुत अनमोल चीज़ है रिश्ते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये मेरा छोटा सा ये मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाइएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और ये ऐसे वाले वीडियोस हमारी खुराक होते हैं, तो हम बिना खाना खाए तो रह नहीं सकते। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।